हेलो पोके ट्रेनर्स, कैसे हो। स्वागत है पोके स्टॉप के एक नए वीडियो में। तो गाइस, पोकेमॉन गो में नया अपडेट आ चुका है। तो फिलहाल के लिए मैं आज आपको अपडेट देने वाला हूँ, क्या कुछ चेंजेस हुआ है, क्या कुछ आपको शाइनी मिलेगा, सब कुछ मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। फिलहाल के लिए आप देख सकते हो, अब पोकेमॉन गो का इंटरफेस कुछ ऐसा लग रहा है जहाँ पर जगह जगह पर बर्फ़ है, आप लोग देख सकते हो, और थोड़ा बहुत छोटा बहुत आप एनिमेशन भी देख पाओगे। मतलब पोके स्टॉप जो है उधर एनिमेशन देख पाओगे। उसके बाद देखो, जब हम पोकेमॉन को कैच करते हैं उसका बैकग्राउंड भी चेंज हो चुका है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। गाइज, उसके साथ क्या क्या चेंजेस है मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक देखो। और बड़ा एक अपडेट भी आपके लिए आने वाला है, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक देखो, ठीक है। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो में एक लाइक कर दो। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइस, फिलहाल के लिए देख सकते हो बहुत चेंजेस आ चुका है पोकेमॉन गो में। बर्फ़ भी गिर रही है, अभी फिलहाल के लिए तो बारिश हो रहा है, लेकिन बाद में आपको स्नोफॉल भी दिखेगा। और देखो, नया कॉस्ट्यूम भी आ चुका है, जहां पर आप पिकाचू का नया कॉस्ट्यूम देख सकते हो। नया रेड बॉस आया है, ठीक है, जहाँ पर पिकाचू का नया कॉस्ट्यूम, स्पीहल का नया कॉस्ट्यूम, हर कुछ आप देख पाओगे। और उसके साथ ये क्या आपको शाइनी वाइल्ड में मिल सकता है वो भी मैं वीडियो में बताता हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। तो गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पर स्पीहल का जो नया कॉस्ट्यूम है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है गाइज। ये स्पीहल का नया कॉस्ट्यूम है, सिर्फ स्पीहल नहीं, पिकाचू का भी नया कॉस्ट्यूम अभी से अवेलेबल होना शुरू हो चुका है। तो गाइज, आप देख सकते हो ये है पिकाचू का नया कॉस्ट्यूम, तो ज़रूर आप इस पिकाचू को पकड़ लेना, ठीक है। तो आपको ये कॉस्ट्यूम कलेक्ट करना है, क्योंकि देखो पिकाचू का बहुत सारा कॉस्ट्यूम है, मेरे पास भी बहुत सारा है, तो आप कलेक्ट करके रखो, ये आपके लिए अच्छा होगा। अभी गाइस, फिलहाल के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सब जितना भी पोकेमॉन अभी स्पॉन हो रहा है वाइल्ड में, सब आइस टाइप का पोकेमॉन है गाइस, ठीक है। हर एक पोकेमॉन आइस टाइप का है, सिर्फ आइस टाइप का नहीं, बहुत सारा पोकेमॉन स्पॉन हो रहा है, लेकिन द मेजोरिटी ऑफ पोकेमॉन आइस टाइप का है। और जो ये पोकेमॉन आप देख पा रहे हो फिलहाल के लिए, जो देखा आपने, मैंने मार्क किया है, वो बिल्कुल नया पोकेमॉन है गाइस, तो इसको भी ज़रूर कैच करना। और हर एक पोकेमॉन आपको मतलब शाइनी मिलने का चांस है, क्योंकि देखो बहुत सारा करके वाइल्ड में पोकेमॉन फिलहाल के लिए स्पॉन हो रहा है। जैसे आप देख सकते हो, ये जो पोकेमॉन आप देख रहे हो डेली बर्ड, ये बहुत ज़्यादा करके स्पॉन हो रहा है। जैसे ये एक पोकेमॉन है, हर एक पोकेमॉन जो आइस टाइप का है वो बहुत ज़्यादा करके स्पॉन हो रहा है, तो आपको शाइनी मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा है। फिलहाल के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो पोकेमॉन हम कैच करते हैं उसका आप थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट देख लो। अभी फिलहाल के लिए मैं दिखाता हूँ, देखो ये डे टाइम में आपको ऐसा एनिमेशन दिखेगा, और ये जो देख रहे हो ये नाइट टाइम में आपको ऐसा एनिमेशन दिखेगा। नाइट टाइम का एनिमेशन बहुत ज्यादा अच्छा है गाइस, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यही था, जो आप पोकेमॉन वाइल्ड में देख रहे हो ज्यादातर करके स्नो टाइप है, और ये जो पोकेमॉन आप देख रहे हो ये बिल्कुल नया पोकेमॉन है, और इस पोकेमॉन को बिल्कुल भी मिस मत करना गाइस, पकड़ लेना, ठीक है, अगर देख लिए तो पकड़ लेना। और गाइस, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, पोकेमॉन को आपको बहुत ढूंढना है, ठीक है, आपको शाइनी मिलने का चांस 100% शाइनी मिल सकता है, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा करके हमें वाइल्ड में आइस टाइप का पोकेमॉन मिल रहा है, और जब भी ज़्यादा करके कोई भी पोकेमॉन स्पॉन होता है तो उसका जो शाइनी रेट है वो बढ़ जाता है। जैसे देख सकते हो एक पोकेमॉन कितना सारा है, ठीक है। तो गाइज, यही था। और एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, कल मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जो कम्युनिटी डे के ऊपर होने वाला है गाइज। 16 से 17 पोकेमॉन कम्युनिटी डे में आने वाला है, सोच सकते हो इतना सारा पोकेमॉन आपको एक साथ में मिलेगा कम्युनिटी डे में। टाइम, हर कुछ, कौन सा पोकेमॉन मिलेगा आपको, कोऑर्डिनेट किया है, हर कुछ मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ, इसलिए चैनल को अब भी जाके सब्सक्राइब कर दो और वीडियो में एक लाइक कर दो। कल आपको कम्युनिटी डे का वीडियो मिल जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।